हेलो दोस्तों, वेलकम टू देव एमटीआर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेजेंडरी बाइक 2023 की न्यूली लॉन्च बजाज पल्सर 220F का फर्स्ट राइड रिव्यू देने वाला हूं। ये बाइक रोड पर चलने में कैसा परफॉर्म करती है, कैसा कंफर्ट है, एबीएस टेस्ट करेंगे, गियर शिफ्टिंग भी टेस्ट करेंगे और साथ में 0 to 60, 0 to 80 जाने में कितना समय लेती है, परफॉर्मेंस कैसी है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। अगर आप बजाज की कोई भी बाइक खरीदना चाहते हैं, अगर आप कोलकाता से हैं तो रोल्टा बजाज बागुईहाटी कोलकाता में आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको न्यू बजाज पल्सर 220F का परफॉर्मेंस टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये बाइक 0 to 60 और 0 to 80 जाने में कितने सेकेंड का समय लेती है। बाइक हो चुकी है हमारी स्टार्ट, 1, 2, 3। तो टाइम यहाँ से आपने देख लिया होगा। अगर हम इसके वाइब्रेशन की बात करें तो 80 से ऊपर में माइनर से वाइब्रेशन इसकी हैंडल बार पर फील होंगे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। अभी मैं आपको इसका एबीएस टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि ये जो बाइक है, अगर आप इसको 50 से 60 की स्पीड में आगे वाली ब्रेक को अप्लाई करते हैं, जैसा कि फ्रंट में सिंगल चैनल एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है 200 cm की डिस्क के साथ, तो जो स्पीड है वो हमारी 50 से 60 की रहेगी। पहले हम आगे वाली ब्रेक को अप्लाई करेंगे, देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है। गजब। तो बाइक जो है वो एकदम से जाम हो गई, ऐसा नहीं लगा मुझे कि जो आगे वाला व्हील है वो एकदम से स्किड हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी दोनों ब्रेक को एक साथ अप्लाई करके देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है दोनों ब्रेक से। और जैसा कि रियर में आपको डिस्क मिलती है, पीछे में एबीएस नहीं है। 56, 60, 70। गजब। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी हाई स्पीड में ब्रेक को लगाएं तो दोनों ब्रेक को एक साथ अप्लाई करें, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूं कि अभी जो बाइक है वो गियर में है, और जैसे ही मैं गियर में बाइक होने पर स्टैंड को डाउन करता हूं, इंजन इसका तुरंत बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है सेफ्टी फीचर्स के लिए। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, इसमें आपको इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी मिल जाता है, मतलब कि रियल एवरेज इंडिकेटर मिल जाता है, 1 लीटर में जो बाइक है वो आपको कितना माइलेज निकाल कर दे रही है। तो अभी आप रीडिंग देख सकते हैं 78 की दिखा रहा है, तो हालांकि इतना नहीं दे सकती। अगर आप इसको 50 से 60 की स्पीड में मेंटेन करके चलाते हैं तो ये बाइक आपको आसानी से 35 से 40 kmpl का माइलेज 1 लीटर पेट्रोल में निकाल कर दे देगी। अगर इसके सीट कंफर्ट की बात करें तो बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है। अगर आप इस बाइक से लॉन्ग राइड करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 150 से 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप बाइक को चलाते हैं तो उससे पहले आपको कोई भी थकान नहीं होने वाली है, क्योंकि सीट के अंदर की जो कुशन है, ये जो फोम का मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इसकी हैंडलिंग की और राइडिंग पोजीशन के बारे में बात करें तो बाइक की जो हैंडल वार है वो आपको मिलती है क्लिप ऑन वार टाइप की, जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक तो देती है और बहुत ज़्यादा आगे की तरफ नहीं है, जिससे आपको बाइक को चलाते समय बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ही झुकना पड़ेगा और आपके जो हाथों की कंडीशन है वो एकदम स्ट्रेट रहने वाली है। फुटपैक्स जो हैं वो इसके थोड़े से पीछे की तरफ हैं, जिससे आपको एक बेहतरीन राइडिंग कंफर्ट मिल सके। गियर शिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 5-speed गियर बॉक्स मिलता है, बाइक में आपको 5 गियर मिल जाते हैं। जब भी आप बाइक में गियर को चेंज करते हैं, डालते हैं, निकालते हैं, प्रॉपर एक बार में गियर डल जाता है, निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि गियर को डालते समय निकालते समय गियर अटक जाए, और आधा गियर अटक जाता है। कभी कभी क्या करना पड़ता है, आपको क्लच का सहारा लेना पड़ता है गियर को डालने के लिए, निकालने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉपर एक बार में गियर डलेगा और एक बार में गियर निकल जाता है। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें 220cc का ऑयल कोल्ड 4-stroke 2-valve BS6 Fi इंजन दिया है। ये इंजन 20.4 PS की मैक्स पावर देता है 8500 RPM पर, और 18.55 Nm का टॉर्क पैदा करता है 7000 RPM पर। इसमें 5-speed गियर बॉक्स है और इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको नहीं मिलता है, लेकिन रियल माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है जिस भी स्पीड में आप बाइक को चलाते हैं, और जो माइलेज है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कंसोल में।
और जो मिरर है आप देख सकते हैं स्पोर्टी यहाँ पर आपको मिरर मिल जाते हैं जो कि फोल्डेबल भी है, कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं और प्रॉपर यहाँ पर आपको पीछे का व्यू मिलता है पूरे रोड का। इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी। आगे में 90-90-17 का ट्यूबलेस टायर है जबकि पीछे में 120-80-17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है 17 इंच के एलॉय के साथ। और पीछे में ABS तो नहीं दिया है लेकिन बाकी जो ब्रेकिंग वगैरह है वो मैंने आपको चेक करके पहले ही दिखा दिया, काफ़ी अच्छी है। और जो टायर की जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है, जब आप रोड पर बाइक को चलाते हैं तो एकदम रोड से बाइक चिपक कर चलती है, आपको बिल्कुल भी ये एहसास नहीं रहता है कि बाइक बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल होकर चल रही है। कहना ये एक लेजेंडरी बाइक तो है ही, साथ में आप इसको मान सकते हो कि ये पल्सर सीरीज की जितनी भी बाइक है उन सब की बाप है भाई। पावर, परफॉर्मेंस, चाहे माइलेज की बात हो, काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल कर देती है और हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। और इस बाइक की जो रोड प्रेजेंस है ना वो अलग ही लेवल की है। जितने भी यंग जनरेशन के जो लोग आते हैं, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हों, तो उन सब की ये पहली पसंद है। आप इस बाइक को कितने भी घने से घने ट्रैफिक में चला लो, बहुत ही प्यार से चलती है, मतलब फुल मज़ा देती है भाई। सस्पेंशन की अगर बात करें तो इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बुश वाले सस्पेंशन मिलते हैं और जब भी आप ब्रेक को दबाएंगे तो पूरे जो सस्पेंशन है वो दब जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है, सस्पेंशन का जो सेटअप है आगे वाला वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और ख़राब से ख़राब रोड पर चलने में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देते हैं। इस बाइक के रियर में आपको 5-वे एडजस्टेबल नाइट्रोक्स शॉक एब्जॉर्वर वाला सस्पेंशन दिया गया है जो आपको एक अच्छी राइड क्वालिटी तो देता ही है, साथ में आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट भी देता है जब आप बाइक को किसी भी हैवी से हैवी स्पीड ब्रेकर से निकालते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा कमर में झटके फील नहीं होते हैं। ओवरऑल जो सस्पेंशन का सेटअप है वो इसका काफ़ी अच्छा है। बाइक का वज़न है 160 किलोग्राम, तो उतना ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं है। अगर हम प्राइस की बात करें तो इसकी एक्सोरूम प्राइस है 1,39,000 और इसकी ऑन रोड प्राइस है रोल्टा बजाज बागुईहाटी में 1,69,000। अगर आप कोलकाता हावड़ा हुगली आसपास से हैं, अगर आप इस बाइक को ख़रीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।